खबर उत्तर प्रदेश सहारनपुर से। सहारनपुर देवबंद कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मीरंगपुर में उस समय अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब कार सवार लोगों द्वारा गांव में एक मकान में घुसकर दो लड़कियों को उठाकर कार में ले जाने का प्रयास करने लगे। चीख पुकार सुन ग्रामीण मौके पहुंचे और लड़कियों को कार सवारों के चुंगल से छुड़वाया। कोतवाली में दी तहरीर में पीड़ित ने बताया, प्रार्थी मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है तथा जाति से बागड़ी है और गांव मीरकपुर में निवास करता है। दोपहर 3 बजे की घटना है, उसके घर पर उसकी भांजी भी आई हुई थी। तभी मकान के सामने कार आकर रुकी जिसमें 7 व्यक्ति सवार थे जो कि जबरदस्त थी उसके मकान में घुस आए। उसके द्वारा प्रार्थी की नाबालिग पुत्री और भांजी को बदनीयति से पकड़ लिया। आरोप है उक्त व्यक्तियों द्वारा उसकी पुत्री व भांजी के साथ अश्लील हरकतें करने लगे। लड़कियों के शोर की आवाज सुनकर गाँव के लोग मौके पहुंचे, उनके चुंगल से लड़कियों को छुटवा कर आरोपियों को पकड़ लिया। वहीं घटना की सूचना पर मौके पहुंची पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ कर हिरासत में ले लिया। वहीं पीड़ित पिता ने कोतवाली में तहरीर देकर इंसाफ की गुहार लगाई। संबंधित मामले में एसपी ग्रामीण सागर जैन ने बताया कि जो वादी उनके बहनोई हैं 6 युवकों को लेकर अपने बहनोई के यहाँ बात करने को लेकर पहुँचा था। घर में लड़कियाँ अकेली थी, उनके साथ मारपीट बदतमीजी की गयी, उसी को लेकर इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सो रहे थे हमें दोनों को उठा के गाड़ी में बंद कर लिया। फिर मामा जी आए, बाकी गांव वालों ने हमें बचाया। फिर हम उतरे, फिर वो उन्होंने उनको पकड़ के इधर लाए। जबरदस्ती कर रहे थे, हमारे कपड़े भी फाड़ने की कोशिश कर रहे थे, फिर गंदी गंदी गाली भी दे रहे थे हमें। जबरदस्ती कर रहे थे हमारे साथ, गाड़ी में बिठा लिए थे हम तो जबरदस्ती। हमारे पापा जी ना गाँव वालों ने छुड़ा। कितनी उम्र है आपकी? 15 साल। सर, थाना देवबंद क्षेत्र के मीरकपुर में एक मामला सामने आया जब दो लड़कों का अपहरण कर कुछ लोग ले जा रहे थे जो कि नशे में धुत थे, उनको ग्रामीणों ने पकड़ा है और पुलिस को सौंपा है। क्या है पूरा मामला और क्या कार्रवाई की जा रही है? जी, एक गाड़ी में 7 युवक जो है ग्राम मीरकपुर में जाते हैं और एक व्यक्ति के घेर में अंदर घुसकर वहां पर जो 2 नाबालिग बच्चियां थी उनके साथ मारपीट और छेड़छाड़ की कोशिश उन्होंने की है। इस तहरीर पर, वादी की तहरीर पर 7 व्यक्तियों के विरुद्ध थाना देवबंद में मुकदमा पंजीकृत किया है। पुलिस ने 7 व्यक्तियों को हिरासत में लिया है और जो घटना में प्रयुक्त गाड़ी है उसको भी कब्जे में लिया है। आज 7 व्यक्तियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। पुलिस द्वारा पीड़िता का मेडिकल कराया गया है और इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जी, पूछताछ में इन्होंने जो उनमें से एक व्यक्ति है, 7 लोगों में से एक जो व्यक्ति है वो अपने बाकी साथियों को लेकर आया, वो उन्हीं की बिरादरी का था जो जिस बिरादरी का व्यक्ति वादी था और उनके बहनोई से कुछ उनका विवाद था, उनको वो उनसे बातचीत करने गया था। वहाँ पर उन्हें जो घर में मौजूद 2 नाबालिग महिलाएँ मिली, उनके साथ उन्होंने मारपीट और छेड़खानी की कोशिश की जिसके आगे ये कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई। प्रधान जी की वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आप मारपीट करने के लिए कह रहे हो, क्या मामला? देखिए, हमारे गांव में तकरीबन 40 साल से 1984 से बागड़ियों के 2 परिवार रहते हैं अपने डेरे में और पूरे गांव के ही सहयोग से उनका घर चलता है। वो अपना जो भी व्यवसाय लोहे का करते हैं वो सब गांव वालों के सहयोग से अपना परिवार चलाते हैं। आज तकरीबन 3:15 बजे के करीब एक अर्टिका कार में 7-8 गुंडे सवार होकर उनकी 2 बेटियों को उठाने का काम करते हैं। उनके विलाप करने से गांव से एकत्रित जो भीड़ इकट्ठा हुई, उन्होंने उन अपहृत बच्चियों को छुड़वाया और उन्हें उनके कब्जे से मुक्त कराया। ग्रामीणों ने उन कुछ लोगों को पकड़ भी लिया जो पुलिस की सुपुर्द कर दिए गए हैं और उसी के आक्रोश में वो शब्द जो कुछ मैंने या मेरे सहयोगियों ने बोले वो सब उसके आक्रोश में बोले हैं। और ये बात सत्य भी है, अगर गांव में समाज गरीब हो अमीर हो सबके लिए सबकी बेटियां सम्मानित हैं और सबका सम्मान है। ऐसा अगर अप्रिय कोई घटना या कोई ऐसा कारक वहां जाकर ऐसी दूषित बात करता है तो बिल्कुल 100% हम उसका मुंह तोड़ जवाब देना काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।